शनिदेव का ज्योतिष शास्त्र में विशेष महत्व होता है। शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं। शनिदेव व्यक्तियों को उनके कर्मों के आधार पर शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। शनिदेव को दंडाधिकारी का दर्जा प्राप्त है और इन्हें ये वरदान भगवान शिव ने दिया है। शनिदेव बुरे कर्म करने वालों को बुरा फल और अच्छे कर्म करने वालों को अच्छा फल देते हैं। ऐसी मान्यता है कि शनिदेव की दृष्टि अगर किसी पर पड़ जाए तो उसके जीवन में कई तरह की परेशानियां आने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर शनिदेव किसी पर अपनी शुभ दृष्टि डाल देते हैं तो वह व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है। शनिदेव की साढ़े साथी और ढैया से लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। आइए जानते हैं शनिदेव किन लोगों पर सबसे ज्यादा नाराज होते हैं। इन लोगों पर रहती है शनि की अशुभ छाया। शनिदेव को क्रूर ग्रह कहा गया है। मान्यता है कि शनिदेव गलत कार्य करने वालों को सजा देते हैं। शनिदेव हमेशा उन लोगों को कष्ट देते हैं जो हमेशा गरीबों, असहायों, महिलाओं, बुजुर्गों और बेसहारा लोगों को बिना वजह के परेशान करते हैं। इसके अलावा जो लोग अपने हितों के लिए किसी दूसरों को धोखा, झूठ और निंदा करते हैं, शनिदेव उन्हें कष्ट देते हैं। शनिदेव कभी भी ऐसे लोगों पर अपनी कृपा नहीं बरसाते जो बेजुबान जानवरों को तंग करते हैं। महादशा में शनिदेव देते हैं कष्ट। शनिदेव की महादशा बहुत ही कष्टकारी होती है। जो लोग हमेशा बुरे कर्म करते हैं, शनिदेव उनके पीछे पड़ जाते हैं। महादशा के दौरान जब किसी व्यक्ति के ऊपर साढ़े साथी या ढैया चल रही होती है तब शनि व्यक्ति को बहुत ही कष्ट देते हैं। नौकरी में परेशानियां बढ़ जाती हैं, आर्थिक हानि होने लगती है, व्यक्ति को कई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं, हर एक कार्य में असफलताएं प्राप्त होती हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय। शनिवार का दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए विशेष माना गया है। शनिवार के दिन शनि दर्शन करें और शनिदेव की प्रतिमा पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और सरसों का तेल अर्पित करें। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर शनि चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी शनि दोष से छुटकारा पाने का तरीका है। शनिवार के दिन हनुमान जी को भोग लगाएं और सिंदूर चढ़ाएं। शनिवार के दिन ओम प्राम प्रीम प्रों सह शनिश्चराय नमः और ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्रों का जाप करें। कुंडली से शनि दोष को खत्म करने के लिए काली चीजों जैसे उड़द की दाल, काला कपड़ा, काले तिल और काले चने का दान करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।